हेलो फ्रेंड्स, एक नई रेसिपी के साथ आपका फिर से वेलकम है कुक विद इमराना में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से चिकन चंगेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें। चलिए झटपट इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसे साफ करके धो लिया है और सारे पीसेस पे इस तरीके से कट लगा लिए हैं। आप सारे पीसेस पे इस तरीके से कट लगा लें। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। यहाँ मैंने एक नींबू लिया है, उसका रस निकाल लिया है। एक नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने 1/2 कप दही लिया था, दही का पानी निकाल लें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब सारे दही को हम चिकन में ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कट लगाने से मसाला जो है चिकन के अंदर अच्छे तरीके से चला जाएगा और चिकन बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसे ढककर हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उसे बीच में से कट लगा दिया है और 1 कप पानी डाला है। अब इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। प्याज हमारी पक चुकी है, अब इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, प्याज को मैंने पीस लिया है, उसे बाउल में निकाल लिया है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उन्हें मोटा मोटा कट करके ग्राइंडर जार में कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खरबूजे की मींगे और 1 टेबल स्पून डालेंगे पिसा हुआ नारियल। अगर पिसा हुआ नारियल नहीं है तो आप मोटा नारियल को भी बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दें। 10-12 काजू लिए हैं, इन काजुओं को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। देखिए, इसे इस तरीके से बारीक हमें पीसना है। अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने बर्तन में निकाल लिया है इस मसाले को। बस बारीकी ध्यान रहे, बारीकी से पीसें। अब कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के पीसेस, जो हमने मसाला लगाकर चिकन रखा था वो सारे पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। देखिए, सारे पीसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। इसे 1 मिनट तक हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे और जो चिकन का मसाला था इसे रख लेंगे हम ग्रेवी में डालेंगे इसे। देखिए, 1 मिनट हो चुका है। अब इस सारे चिकन को हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अब कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, जो हमने प्याज पीसी थी वो सारी प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इस प्याज को हम 1 मिनट तक पका लेंगे। बस 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। देखिए, 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर और जो हमने काजू वाजू पीसे थे वो सारा मसाला इसमें ऐड कर देंगे और चिकन का जो बचा हुआ मसाला था वो भी सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे और 1 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक
और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। अभी सारे मसाले को हम एक मिनट तक पकाएंगे और एक मिनट बाद इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। इस मसाले को आप ढककर पकाएं और बीच बीच में चम्मच चलाते रहें, क्योंकि ये मसाला बहुत उड़ता है, चीटें बहुत आती हैं। अब चिकन चेक कर लेते हैं हम अपना। देखिए चिकन देखने में कितना अच्छा लग रहा है और चिकन हमारा अच्छे तरीके से टूट भी रहा है, चिकन गल चुका है। बस इसमें थोड़ा सा पानी है, इसे हाई फ्लेम पर बस एक मिनट तक पकाएंगे हम। एक मिनट हो चुका है, अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। चिकन हमारा ये तैयार हो चुका है और मसाले में हम फिर चम्मच चला देंगे। अभी 3 मिनट हुए हैं, इसे चम्मच चला देंगे मसाले में और इसे ढककर हम 3 मिनट तक और पकाएंगे। मसाले को देखिए पकते हुए पूरे 6 मिनट हो चुके हैं, मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, सारे चिकन को हम इस मसाले में ऐड कर देंगे और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, रोस्ट की थी हमने, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। मेथी को इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप दूध लिया है, इसमें से 1/2 कप बस अभी डालेंगे और इसे हम 1 मिनट तक और पकाएंगे। चिकन को हमें हाई फ्लेम पर पकाना है, बस 1 मिनट तक पकाएंगे इसे। 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें हम 3-4 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और जो दूध बचा था वो सारा दूध भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, आप देसी घी की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं, और इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 सेकेंड तक पका लेंगे। 30-35 सेकंड हो चुके हैं, हमारा मज़ेदार और आसान तरीके से चिकन चंगेज़ी तैयार है। आप एक बार इस तरीके से चिकन चंगेज़ी ज़रूर बनाएं, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये चिकन चंगेज़ी नान से, बटर नान से बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।